कहा ऐसा जा रहा है, कुछ किसान ऐसा बोलते हैं कि ये जो यात्रा स्टार्ट की गई थी ना, शुरुआत तो इसलिए की गई थी ताकि किसानों को परेशान कर सकें, लेकिन वो हो नहीं सका। तो कुल मिला के आप मानते हो किसानों को भ्रमित किया जा रहा है? बिल्कुल। नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हांसी के मुल्तान कॉलोनी में हूँ। माता मंदिर आप सभी जानते हैं, काफ़ी फेमस है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जनरल डी पी वत्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो हांसी में एकदम से आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? सर माता भगवती ने बुला लिया। हाँ, मैंने वैसे इन्होंने पहले एक दफ़ा आया हूँ, फिर इन्होंने दावत दी और मैंने इनकार भी कर दिया था कि नहीं आ सकूँगा, मगर कुछ ऐसे हालात बने कि मैं आ गया यहाँ माता का आशीर्वाद लेने। साहिल कपूर ने बड़ा इंसिस्ट किया कि एक दफ़ा 5 मिनट आना पड़ेगा। सर एक मुख्य सवाल मैं पूछना चाहूँगा, पूरे हरियाणा में आप सभी जानते हैं तिरंगा यात्रा जो चल रही है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है और उत्साह बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सोचा था कि जिस उसके साथ शुरू किया था तिरंगा यात्रा को, और आज मुझे लगता है ज़्यादा सहयोग देखने को मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक तो तिरंगा यात्रा गैर राजनीतिक है और कुछ ऐसे लम्हे मुल्क के लिए होते हैं, कुछ दिन होते हैं जिन पे सारा मुल्क अपने डिफरेंसेस भुला के, अपने मतभेद भुला के वो एक होता है, और ये तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान, शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए, भारत माँ के वीर सपूत 1857 में मंगल पांडे, झांसी की रानी, तांतिया टोपे, राव तुलाराम शहीद से लेके फिर ये हांसी में जो 1857 में ये लाल सड़क पे अंग्रेज़ों ने बड़ा बर्बरतापूर्ण कार्य किया था कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनका कुर्बानी ली थी, यानी रिप्रेशन हुआ था। और इसी तरह हिसार में मंगाली गांव में, हांसी के रुणात गांव, पहले हांसी में ही था रुणात, इन गांव में और हिसार बीड़ के जितने गांव हैं, 54 गांव उजाड़े थे अंग्रेज़ों ने। सर एक इसी से जुड़ा एक सवाल करना चाहूँगा, कहा ऐसा जा रहा है, कुछ किसान ऐसा बोलते हैं कि ये जो यात्रा स्टार्ट की गई थी ना, शुरुआत तो इसलिए की गई थी ताकि किसानों को परेशान कर सकें, लेकिन वो हो नहीं सका। किसानों के बारे में मैं ये कहूँगा कि मैंने भी यहाँ एक ट्रैक्टर रैली की थी 14 अक्टूबर को 2020 में जी, और वो बड़ी कामयाब रैली थी, हजारों ट्रैक्टर आए और किसानों के ही ट्रैक्टर थे। किसान इन कृषि कानूनों को समझे, आजकल तो कृषि कानून जो स्टेप हैं सरकार ने लगा नहीं रखे, मगर उनको समझेंगे तो वो समझेंगे कि ये तो कुछ तो पहले ही लगे हुए हैं, सिर्फ मंडी एक कर रहे हैं हम कि एक देश एक मंडी, और उनको पहले ही भ्रमित कर दिया गया है कि भाई ये तो खराब हैं। जब वो समझ जाएंगे तो ठीक, जैसे तिरंगा यात्रा यही कहती है कि सभी ने समर्थन कर दिया। कल एक आज सुबह ही किसान आपके सामने अभी कह रहा था कि हमारे गांव से इतने आए, हमारे गांव से इतने आए, तो मैं ये कहता हूं कि देश पे अब भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, एटमी ताकतें हैं। ऐसे हालात में हमारे देश का जो हाल है वो इजराइल जैसा है, मगर इस सिलसिला जारी में ये ज़रूर है कि भाई कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, कि पहले तो आपको मैं शरणार्थी नहीं कहूँगा, पुरुषार्थी कहते हैं खट्टर साहब, और मैं भी पंजाबियों में मैरिड हूँ, मेरे इनलाज जो हैं वो गुजरांवाला से आए थे, सियालकोट से आए थे, बल्कि ये रंधावा है, जैसे मेरे इनलाज, मेरी मदर इनला तो सिख परिवार से ही है। तो वो आके यहाँ आए तो सिर्फ जान बचा के, न उन्होंने मांग के खाया, भीख नहीं मांगी, काम करके अब वो फिर ऐसे हो गए हैं कि अब वो पाकिस्तान को भी याद नहीं करना चाहते। वहाँ भी उनका बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छा ज़मींदारा था, मगर काम करने वाला आदमी कहीं भूखा नहीं मर सकता। तो वो एग्ज़ाम्पल पंजनद समाज ने सबके सामने पेश किया।
और मैं उसको मुबारकबाद देता हाँ। तो कुल मिला के आप मानते हो किसानों को भ्रमित किया जा रहा है? बिल्कुल। तो आप कहते हो कि MSP था, है और रहेगा, तो कानून क्यों नहीं ला दिए जाते हैं सर? मैंने कहा ना कि हमारे घर में झगड़ा पड़ गया, झगड़ा पड़ के हमें देखा कि नुकसान हो जाएगा, सारे लोग उठ के आ गए, औरतें आदमी, तो सबसे मैंने कहा कि जो झगड़े की कारण चाहे वो भ्रमित हैं, चाहे वो अपोजिश में हैं, चाहे अफवाहों पर आधारित हैं, पहले इसको बंद करो कि इसको स्टे करो 1.5 साल के लिए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगे तो लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे दिया और ऐसे हालात में मैं कहता हूँ कि भाई हमारी खाद्य समस्या तो जब पाकिस्तान बना बहुत बड़ी खाद्य समस्या हो गई थी, वो किसानों ने सोल्व कर दी, अब तो उनकी अच्छी बिक्री के लिए और ठीक से मंडियों में तंग ना होना पड़े कृषि कानून लाए थे, उसमें किसानों को बुलाया भी गया, 11 दफ़ा बुलाया गया, मगर कुछ हठधर्मी हुई। उसमें मैं यही कहूँगा कि देश हित और समाज हित और किसान हित में, यानी ये तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है कल, उसमें समझदारी से काम लिया जाए और संतोष से काम लिया जाए, और हमारी सरकार कोई गलत काम नहीं करेगी, क्योंकि मोदी है गरीब का बेटा है, वो एक पूंजीपति का बेटा नहीं। चलिए शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आप सभी लोगों ने देखा किस तरीके से जो किसानों को लेकर के कहा गया कि आज भी हम उनके साथ खड़े हैं, और तिरंगा यात्रा के बारे में अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर जनरल DP वत्स की तरफ से कहा जा रहा है तिरंगा यात्रा जिस तरीके से शुरू की गई थी उससे काफ़ी ऊपर लेवल तक आप देख सकते हैं, जो जोश है और उत्साह है यूथ में भी देखने को मिल रहा है। आपकी इसमें क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।